जो पक्के इरादे से अपने मुसीबत को घुटने टिका जाएगा, ऐसे ही मनोबल वाला मानव जीवन का युद्ध जीत पाएगा। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मिल रहे ये हैं डॉक्टर के एस राजन्ना। दोनों हाथ और पैर पोलियो की भेंट चढ़ चुके हैं, लेकिन हौसला है कि आज भी पस्त नहीं हुआ है। खैर, श्री राजन्ना महामहिम राष्ट्रपति के आसन की ओर बिना किसी की मदद लिए आगे बढ़ते हैं, आसन को प्रणाम करते हैं और प्राप्त करते हैं साल 2024 का पद्मश्री पुरस्कार। यहां भी वो अपने पोलियो ग्रस्त हाथ से पुरस्कार को थामे रहते हैं। खचाखच भरे हॉल में लगातार तालियां बजा रहे गणमान्य लोगों का अभिवादन वो अपने निराले अंदाज में स्वीकार करते हैं, आसन को फिर से प्रणाम करते हैं और अपना स्थान लेते हैं। देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों यानी पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री के रूप में प्रदान किए जाते हैं। पद्मश्री उन्हें दिया जाता है जिन्होंने समाज सेवा से जुड़े किसी विशिष्ट क्षेत्र में असाधारण योगदान दिया हो। पद्म पुरस्कार पाने के बाद उन्होंने कहा था कि ये सिर्फ एक पुरस्कार बनकर नहीं रहना चाहिए, बल्कि इससे मुझे अपने सामाजिक कार्यों में और भी मदद मिलेगी। हम सिर्फ सहानुभूति नहीं चाहते, बल्कि अपने अधिकारों का प्रयोग करने का अवसर भी चाहते हैं। दरअसल जब 11 साल की छोटी सी उम्र में उन्हें पोलियो हुआ, तो उन्होंने इसके आगे घुटने टेकने की बजाय घुटनों के जरिए फिर से खड़ा होना सीखा और दूसरों को इससे बचाने के लिए कमर कस ली। तब से अब तक वो हजारों विकलांग लोगों को रोजगार दिलाकर या किसी भी रूप में उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में मदद कर रहे हैं। वो सिर्फ एक सामाजिक कार्यकर्ता ही नहीं है, बल्कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। 1975 में उन्होंने स्टेट सिविल परीक्षा में सफलता हासिल की। 1980 में उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया। इतना ही नहीं, साल 2002 में हुए पैरालंपिक के डिस्कस थ्रो यानी चक्का फेंक स्पर्धा में उन्होंने देश के लिए स्वर्ण पदक और तैराकी में रजत पदक जीतकर खुद को एक खिलाड़ी के रूप में भी स्थापित किया। साल 2013 में कर्नाटक सरकार ने उन्हें दिव्यांगों के लिए राज्य कमिश्नर भी बनाया था। कर्नाटक के बंगलुरु में रहने वाले 64 साल के डॉक्टर के एस राजन्ना हमेशा अपनी लाचारी को ही अपनी ताकत बनाकर आगे पढ़ते रहे और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वाकई ऐसे कर्मयोगियों पर हमें गर्व है।